आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है प्रभात तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों प्रभात तिवारी स्टडी आई क्यू पे। दोस्तों जैसा कि मालूम होगा कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका हो चुका है और बहुत सारे लोगों के दोस्तों डाउट्स आ रहे हैं कि सर हिंदी के क्वेश्चन अपलोड करिए, जीके जीएस के क्वेश्चन अपलोड करिए और आपका जितने भी इंग्लिश क्वेश्चन आए थे उसको भी अपलोड करिए सर, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी अपलोड करिए। तो दोस्तों जो जो क्वेश्चन हमको मिले हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, और जो क्वेश्चन दोस्तों आपके द्वारा नहीं मिल पाए दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर से हो या फिर आपके कमेंट बॉक्स से, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट कर देना, मैं आपके सारे क्वेश्चन की आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। यहां से दोस्तों आप मिला सकते हैं, अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए आते जा रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और दोस्तों कट ऑफ की वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए प्रॉपर तैयार रखा हूँ। आप लोगों के कमेंट्स दोस्तों जो वहाँ पर एग्जाम सेंटर से लिया हूं उसके माध्यम से मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए सेफ स्कोर दोस्तों जारी कर दिया है। अगर आपके उतने सेफ स्कोर बन रहे हैं तो कट ऑफ की वीडियो देख लीजिए दोस्त, वहां से दोस्त आप सेफ कैटेगरी में आएंगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लेते हैं हिंदी का। हिंदी का क्वेश्चन था दोस्तों ला कौन सा व्यंजन है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ला एक अंतस्थ व्यंजन है, और अगर दोस्तों ऐसा नहीं पूछा होगा, अंतस्थ नहीं दिया होगा, तो दोस्तों उसमें लुंठित, प्रकंपित और दोस्तों और सारे ऑप्शन दिए होंगे। तो दोस्तों ला एक तो सबसे पहले एक अंतस्थ व्यंजन है, और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो दोस्तों इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि जो ला होता है, ला का जो साउंड क्रिएट होता है हमारे दोस्तों जीभ के पिछले हिस्से से होता है, और इसको मैंने इसको ऐसे याद दिलाया था दोस्तों कि ला जो होता है, जैसे लता मंगेशकर, ला से आप लता मंगेशकर को याद कर सकते थे, और लता मंगेशकर जी हमारी क्या थी, वो पार्श्विक गायिका थी। तो इस बात को ध्यान रखना हमारी, ये दोस्तों था ला क्या हो जाएगा हमारा, ला अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। इसमें दोस्तों सर्वनाम पूछा गया था, तो इसमें जो सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों यह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। तो सभी लोग आई थिंक यही किए होंगे, या मैं जो है, मैं क्या है दोस्तों, ये सर्वनाम पूछा है, तो मैं अपना जो मैं दोस्तों ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो सबको पता होगा दोस्तों, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। रचना के भेद दोस्तों, ये दोस्तों जो ऑप्शन था दोस्तों मुझे सही से मिला नहीं, रचना के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग सही इसका ऑप्शन देना तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, और हिंदी में दोस्तों कुल कितने लिंग हैं? तो हिंदी में कुल दोस्तों दो लिंग हैं, इसको आप सभी जानते होंगे। संज्ञा के कितने प्रकार हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन भी आसानी से आ गया था, संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो संज्ञा के तीन प्रकार हैं दोस्तों, तपोवन का संधि विच्छेद, तो तपोवन का दोस्तों संधि विच्छेद पूछा गया था, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तपा धनवन, ठीक है, संधि विच्छेद इसका हो जाएगा तपा धनवन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है? तो आप सभी को पता है अग्निशामक जो हमारी यंत्र होता है दोस्तों उसमें CO2 गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है दोस्त? CO2 गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे लंबी सिंचाई जो सब भारत की सबसे लंबी नहर दोस्तों जो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है, कौन सी नहर दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर दोस्तों भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, जो भारत का मानक समय जिसको आप GMT बोलते हैं दोस्तों, भारत का मानक समय दोस्तों वर्ल्ड का जो, ठीक है, वर्ल्ड के मानक समय से कितना, ठीक है, जो इंग्लैंड के मानक समय से कितना आगे है? तो दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट, कितना दोस्तों? 5 आवर्स 30 मिनट दोस्तों आपको ऑप्शन में देखने को मिल गया होगा। और दोस्तों 2019 में केंद्र शासित प्रदेश राज्य का दर्जा किसे मिला? तो सबको पता दोस्तों 2019 में हमारे मोटा भाई ने केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा किसको दिया दोस्तों? JNK, यानी जम्मू एंड कश्मीर को। चले दोस्त अगला क्वेश्चन, मायोपिया, ये फिजिक्स क्वेश्चन था दोस्तों, मायोपिया रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष, जिसको भी दोस्तों निकट दृष्टि दोष होती है दोस्तों उसको मायोपिया कहते हैं, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो इसको भी दोस्तों आई थिंक सभी को मालूम होगा कि कर्णम मलेश्वरी। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हार्ड था दोस्तों, सॉरी हार्ड बोल रहा हूँ, बहुत ही आसान था दोस्त, काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी सारे क्वेश्चन करके आए, लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो जल्दबाजी में कई क्वेश्चन गलत आ रहे कर दिए, उनको दो आंसर में मैच कर रहे थे जिसके कारण क्वेश्चन गलत किए हैं, वो कमेंट सेक्शन में हमको बताए थे, सेंटर पे भी बताए थे। चलिए, तानसेन पुरस्कार किसे दिया किस राज्य को दिया जाता है? तो तानसेन पुरस्कार दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। वन इंडिया गर्ल लेखक के नाम, दोस्तों मैंने बताया था चेतन भगत की जितनी भी पुस्तक है दोस्तों, इनकी पुस्तक दोस्तों रोमांटिक थी, ठीक है, जितने भी ये पुस्तक लिखे हैं रोमांटिक थे, और ये ज़्यादा पुस्तक जो लिखे हैं दोस्तों ये गर्ल्स के ऊपर ही लिखे हैं दोस्तों, रोमांसिंग विथ लाइफ, ये सब सारी पुस्तकें दोस्तों इन्हीं हैं चेतन भगत जी की। चलिए,
फिबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था तो ये सभी को मालूम होगा कि मंगल ग्रह के दोस्तों उपग्रह हैं। और दोस्तों प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगर आपको जितने भी क्वेश्चन मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये दोस्तों दोबारा आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, वसा की ज़रूरत किस मौसम में होती है? तो सबको बता दोस्तों, वसा की जो ज़रूरत होती है, हमें सर्दियों के मौसम में वसा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर के ताप और संतुलन के बनाए रखने के लिए दोस्तों वसा बहुत ही ज़रूरी होती है। तो सर्दियों के मौसम दोस्तों वसा की ज़रूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में कौन सी गैस निकलती है? सभी को पता होगा आई थिंक दोस्तों, ये तो क्वेश्चन आपने हाई स्कूल में खूब पढ़ा होगा। तो मीथेन गैस में दोस्तों, मीथेन गैस में आपकी गोबर गैस निकलती है। चलिए मायोपिया, और दोस्तों गोबर गैस के मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जब आप मान चलिए आपका कोई गौशाला है, वहाँ पर दोस्तों जाकर बैठ जाइए, आपको मीथेन गैस का आनंद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मीथेन गैस का मैंने पूरा यहाँ पर प्रॉपर तरीके समझा दिया। मायोपिया रोग दोस्तों ये रिपीट हो गया है, निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। चलिए नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा नमक का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ये दोस्तों 12 मार्च 1930 कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को दोस्तों आपका नमक का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप कौन जीता? तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड दोस्तों बांग्लादेश ने, किसने जीता दोस्तों? बांग्लादेश ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता। मालगुड्डी डे पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों आर के नारायण लिखी थी दोस्तों ये पुस्तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बस पकड़कर लाहौर जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहला कोविड का मरीज कहाँ मिला? तो केरल में दोस्तों, केरल पहला ऐसा स्टेट था जहाँ पर भारत में पहले कोविड के मरीज मिले थे दोस्तों। चलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, यहाँ पर दिवस से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो इसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और प्लीज़ जो लोग वीडियो को देख रहे हो, उस वीडियो को लाइक नहीं करो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आपकी आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए पेंसिल में पाया जाता है, तो पेंसिल में दोस्तों क्या पाया जाता है? सभी को पता है, ये बच्चे को पता है दोस्तों, पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को दोस्तों आपका प्लासी युद्ध हुआ था। भारत में कोविड का पहला मरीज कहाँ मिला था? तो दोस्तों केरल में, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। चलिए जिम कार्बेट, दोस्तों कार्बेट यहाँ पर उद्यान से भी क्वेश्चन आया था, तो जिम कार्बेट पूछा गया था। सबको मालूम दोस्तों, जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। मानव विकास सूचकांक दोस्तों, जो है जिसको आप बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 2020 में भारत की रैंकिंग पूछा था, तो भारत की रैंकिंग दोस्तों 131 131वीं रैंक थी दोस्तों मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। चलिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ पूछ लिया था, तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों राजकीय पेड़ आपका अशोक हो जाता है दोस्तों। काफ़ी आसान क्वेश्चन ये भी है। फाइदोमीटर दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि आपका फाइदोमीटर दोस्तों किसकी इकाई मापने के काम में आता है? तो समुद्र की गहराई। ठीक है, समुद्र की गहराई नापने में दोस्तों आपका फाइदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो के आविष्कार कौन थे? तो सभी को पता होगा दोस्तों, रेडियो के आविष्कारक दोस्तों जी मार्कोनी थे। चलिए दोस्तों, गूगल सर्च इंजन की स्थापना, तो गूगल सर्च इंजन की स्थापना दोस्तों 1998 सर्जी बेन और लैरी पेज ने मिलकर दोस्तों इसकी स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1998। और चलते हैं, ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है, तो दोस्तों म्यूजिक के क्षेत्र में यानी संगीत के क्षेत्र में दोस्तों आपका ग्रेमी पुरस्कार का अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कैंसर अनुसंधान केंद्र दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में आपका कैंसर अनुसंधान केंद्र स्थित है। सिक्किम राज्य की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? इसका दोस्तों आंसर में बताना आप, सिक्किम राज्य की स्थापना जो गठित की गई थी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की थी? पहली महिला मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? दोस्तों सही सबको पता होगा, ये क्वेश्चन आसान था, रीता फारिया ने दोस्तों आपका पहला मिस वर्ल्ड इंडिया का खिताब जीता था। लिंबाराम कहां से संबंधित हैं? तो दोस्तों सभी को पता होगा, लिंबाराम भाई हमारे तीरंदाजी से संबंधित है। चलिए एक बाइट में कितने बिट होते हैं दोस्तों? ये आपको यहां पर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन देखने को मिल गया है। चलिए कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को मिल गया है और आपको पता होगा कि चलिए थोड़ा सा यहां कोऑपरेट करिएगा, चलिए कोऑपरेट करिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर से पूछा गया था एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं दोस्तों एक बाइट में। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा प्रशांत महासागर होता है दोस्तों, सबको पता होगा सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों,
अब दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गए। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 70 से प्लस क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा और एक बार मैच कर लीजिए दोस्तों कि आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हाँ जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना, मैं सारे क्वेश्चन का दोस्तों डाउट आपका क्लियर कर दूंगा और दोस्तों सारे क्वेश्चन के आपके आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अगर दोस्तों रीजनिंग से दोस्तों मेरे को रीजनिंग से 10-15 क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, शाम तक उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा दोस्तों जो रीजनिंग से और इंग्लिश से क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो अभी के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।